तो इस शख्स को सपना आया कि इस मुंह में इसने अंडा रखा है और थोड़ी देर बाद वो चूजा बन गया और वो दिन था आज है। चंद्र प्रकाश जी ने मांसाहार बंद कर दिया, अंडा बंद कर दिया, वो नहीं चाहते कि चूजा उनके मुंह से निकले, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनके अपने पास नया दर्शन है मांसाहार न करने का और ये भी बाध्य नहीं करते किसी ऊपर कि वो भी मांसाहार छोड़ दे। 40 साल हो गया मांसाहार। मैं मीट का बहुत शौकीन था, मैं अक्सर रोज एक पैकेट मटन चिली खाया करता था। क्या बात। और घर में हमारे हमारे मीट बनता था और रेगुलर नहीं था लेकिन मीट हम लोग सब खाते थे, बाहर भी जाते थे तो मीट खाते थे, कबाब, आपके रुमाली रोटी और बाकी चीज़ें भी जो होती हम लोग खाते थे, सब खाते थे। और मैं मीट भी जाके लाता था घर के लिए, हमारे सब लोग खाते पीते हैं, मीट खाते हैं। लेकिन जब मैं मीट खाता था हमेशा एक सवाल उठता था कि अरे यार ये क्यों मीट खा रहे हो, क्यों किसी की जान जा रही है तुम्हारे, सिर्फ एक गले के एक एक लहजे के लिए तुम किसी की जान क्यों ले रहे हो। लेकिन फिर जवाब आता था कि हर चीज़ में लाइफ है, प्लांट्स में भी लाइफ है, हर चीज़ में लाइफ है, और आप कौन होते हो तय करने वाले कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लेकिन जब जब मैं खाता था तो ये सवाल ज़रूर उठता था और मैं परेशान था कोई ऐसा जवाब ढूंढने के लिए कि मेरे को मेरे अंदर वो जवाब बस जाए और मैं कहूँ कि हाँ भाई ये कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा। तो एक दिन हमारे दोस्त का फ़ोन आया कि आज हमारे घर में हैदराबादी बिरयानी बन रही है और खूब बढ़िया गोश्त है और खूब गलावटी कबाब हैं, तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैंने वाइफ को बोला कि भई आप डायरेक्ट चले जाना, मैं शॉप पे देर हो जाती है तो मैं वहाँ से सीधा आ जाऊँगा। तो मैं सीधा चला गया। मैं शाम को जब बैठा था अपने ऑफिस में तो एकदम से एक कहीं से फ्लैश आया कि ज़िंदगी है क्या और कौन जी सकता है कौन मर सकता है। एकदम से एक डेफिनेशन निकला मेरे मेरे जहन में कि एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विच हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ लोकोमोशन टू रन अवे फ्रॉम डेंजर हैज़ द राइट टू लिव। जो डर से डर की वजह से भाग सकता है, जिसको साधन मिला है भागने का, अपने आप को बचाव करने का, उसको जीने का हक है। जिसको पैर दे दिए गए हैं भागने के तो उसको जीने का हक है। और ये निकला और मेरे जहन के अंदर बिल्कुल जैसे कहते हैं किसी ने ताले की चाबी खोल दी हो और मेरे जहन के अंदर आ गया। ये शाम की बात है, मैं रात को पहुंचा हमारे दोस्त के यहाँ तो हमारी वाइफ ने सोचा कि ये सुबह से निकला हुआ है, भूखा होगा, भूख लगी होगी। तो पीछे से वो आई और उन्होंने मेरे मुंह में गलावटी कबाब डाल दिया। हमने कहा अरे ये क्या कर दिया तुमने। कहते अरे तुम कबाब इतने पसंद हैं। हमने कहा मैंने छोड़ दिया। कहें कब से। मैंने कहा अभी से, और 40 साल हो गए मैंने मीट छोड़ दिया। अब मैं मुझे ऑमलेट बहुत पसंद थे, मैं ऑमलेट हर रूप में पसंद था मुझे, ऑमलेट पराठा, ऑमलेट दिस, ऑमलेट दैट। एक हफ्ते बाद इस एक्सपीरियंस के एक हफ्ते बाद मुझे सपना आया, बहुत गहरा सपना था, कि मैंने मुंह में एक अंडा रखा और मेरे मुंह के अंदर ही वो अंडा एक चिक बन के बन गया, मेरे मुंह के अंदर ही चिक बन गया। चिक मतलब उसका चूजा, चूजा बन गया। अब मैं सुबह उठा, मैंने कहा भैया अब ये भी इससे भी परे हो गया हूँ मैं। तो 40 साल हो गए ना अंडा लेता हूँ ना मीट लेता हूँ, लेकिन मुझे मैं शिक्षा नहीं देता किसी को, मैं घर वालों के लिए लेके आता हूँ। ये मेरे लिए एक डेफिनेशन था जो मेरे जहन में बैठ गया
जो मेरे लिए सही है, इसलिए मैंने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। और मैं एग प्योर फॉर्म में नहीं खाता और ना तो मैं मीट खाता हूँ। तो दर्शन है आपका है, लेकिन ये अगर यही हर व्यक्ति चंद प्रकाश हो जाएगा तो इतने जानवर हो जाएंगे, तो आप करेंगे क्या इसका? देखिए, मैं इस तर्क में नहीं जाता। मुझे अपने लिए, मैंने कहा मैं आत्मसमर्पण में बिलीव करता हूँ। आत्मा से जो आवाज़ निकली उसको मैंने पकड़ ली। अब वो सही है गलत है, मैं ब्रह्मांड का मालिक नहीं हूँ। ब्रह्मांड किस लेवल पे चल रहा है उसका मैं ना सूत्रधार हूँ ना कुछ हूँ। मैं तो अपनी आत्मा की बात पे मैंने अमल किया है। अब वो सही है गलत है, मैं बच्चों को शिक्षा थोड़ी ना देता हूँ कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। सब अपने तरफ से खा भी रहे हैं, उनके चॉइसेस हैं।